जो प्रीडोमिनेंट कॉज है इस कंट्री में वो है रियोमेटिक हार्ट डिजीज़। माइट्रल वैल्व डिजीज़ प्रीडोमिनेंटली इज़ कॉज्ड बाय रियोमेटिक हार्ट डिजीज़। रियोमेटिक फीवर एक थ्रोट का इन्फेक्शन होता है जो 5 से 15 साल की उम्र के बीच में होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट थ्रोट इन्फेक्शन द बॉडी बिल्ड्स एंटीबॉडीज विच अफेक्ट द हार्ट, और इस प्रोसेस में वैल्व डैमेज हो जाता है। एक बार जब वैल्व डैमेज हो जाता है तो उसके थ्रू फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है और धीरे धीरे वैल्व ख़राब होता जाता है, अल्टीमेटली कैल्सीफाई कर जाता है। ये रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ है एंड स्पेसिफिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रियोमेटिक हार्ट डिजीज इज माइट्रल वैल्व डिजीज़। इन सम ऑफ द केसेज ऑफ माइट्रल वैल्व डिजीज द वैल्व लीक्स, इन अदर केसेज इट बिकम्स नैरोड। तो जब वैल्व लीक करता है तो हम उसको माइट्रल रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसके अलावा एक फ्लॉपी वैल्व सिंड्रोम होता है जिसके अंदर माइट्रल वैल्व वीक होता है, उसका स्ट्रक्चर जन्म से ही डिफरेंट होता है और इसकी वजह से वैल्व में लीकेज आती है। इसके अलावा माइट्रल वैल्व डीजेनरेशन यानी एज के साथ साथ माइट्रल वैल्व में एक कमज़ोरी आती है, एक उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे ख़राब होता है, उससे भी माइट्रल वैल्व रीगर्जिटेशन हो सकता है।